जैसे मेरे पास दो चॉकलेट है और आपके पास भी क्या है, टू चॉकलेट्स हैं, तो हम दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्या हो गए, इक्वल हो गए, गॉट इट। अगर मेरे पास वन पेन है और आपके पास वन पेंसिल है तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर यहाँ पर मैं मान लीजिए टू पेंसिल्स कर देती, क्या कर देती, टू पेंसिल कर देती, तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये इक्वल हो जाता क्या, ये होता क्या इक्वल, नहीं ये इक्वल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है और यहाँ पर क्वांटिटी ओनली वन ही है। अगर हम इस क्वांटिटी में से एक पेंसिल हम ले लेते हैं तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चों, इक्वल ही हो जाता है। तो यही है आज आप हमारा कॉन्सेप्ट इक्वल, काउंट एंड राइट। अब यहीं पर वापस से आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को काउंट करना है और देखना है कि दिस इज अ इक्वल कि नॉट। हाउ मेनी एप्पल्स हियर, 1 2 3 4 5 6, तो यू विल राइट डाउन हियर इन द बॉक्स 1 2 3 4 5 6 एंड आल्सो 6 एप्पल्स हियर। ठीक है, अब क्या हुआ, 6 यहाँ पर ही है और 6 यहाँ पर ही है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। दिस इज ए साइन ऑफ इक्वल, ये किसका साइन है, हमारा इक्वल का साइन है। जो दो स्लिपिंग लाइन होती है उसको हम किस में बोलते हैं, इक्वल में बोलते हैं। अब जैसे ये शर्ट है, अब इस शर्ट में क्या है, बटन्स हैं, ठीक है। अब आप उन बटन्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बटन्स हियर एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 6 बटन आल्सो हियर, तो दिस इज अ इक्वल, यस दिस इज अ इक्वल। हाउ मेनी फिशेज हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, गॉट इट। तो इधर आल्सो, इधर हाउ मेनी फिशेज हियर, 8, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो दीज आर इक्वल, क्या है ये, इक्वल है। अब क्या करना है बच्चों, आपको दो इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स इन द जार। अब आपको क्या करना है, दो जार दिए हुए हैं आपको, उन जार के अंदर इक्वल स्वीट्स ड्रॉ करनी है। अब देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, मोदक, लड्डू होते हैं ना, उनको हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हमने 8 जार में, एट जार में जितने स्वीट्स ड्रॉ करी है उतनी ही स्वीट्स हमको सेकंड जार में ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। तो हाउ मेनी, आप कितने स्वीट्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, दिस इज अ इक्वल। अगर यहाँ पर कम होता, 9 होता, तो वो इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ज़्यादा हो जाता, तो वो इक्वल नहीं होता। अब क्या है सेकंड क्वेश्चन, सर्किल द केक्स दैट हैव इक्वल नंबर ऑफ कैंडल्स। अब आपको उन कैंडल्स पर सर्किल करना है जो क्या है, इक्वल्स हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 कैंडल्स हियर, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल्स हियर, गॉट इट। तो दीज आर इक्वल, गॉट इट, ये क्या हुई, इक्वल हुई। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल, आपको इक्वल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा, ड्रॉ द सेम नंबर ऑफ रेड स्पॉट ऑन द लेडी बर्ड बीटल्स, राइट द नंबर। अब आपको क्या करना है,
उतने ही डॉट्स आपको, जैसे मैंने यहाँ पर रेड डॉट्स को यहाँ पर क्या किया, ड्रॉ किया। अब ठीक है, यहाँ पर मैंने कितने डॉट्स ड्रॉ करे, एट। कितने ड्रॉ करे, एट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी अगेन एट डॉट्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो दिस इज ए इक्वल, आप जितने डॉट्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे आपको उतने ही डॉट्स नेक्स्ट पिक्चर में ड्रॉ करने होंगे, तभी जाके वो क्या होगा, इक्वल होगा। कम या ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मोर और लेस, लेस का, ठीक है, तो वो इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट है, ड्रॉ द सेम नंबर ऑफ एग्ज इन ईच नेट, नेट्स नेट नेट्स, राइट द नंबर्स। अब आपको क्या करना है, इन नेट्स में एक को ड्रॉ करना है, और जितने ड्रॉ आपने वन पिक्चर में ड्रॉ किए हैं आपको उतने ही कितना करना है नेक्स्ट पिक्चर में ड्रॉ करना है। तो दीज आर इक्वल, गॉट इट। नेक्स्ट, ड्रॉ ऑब्जेक्ट टू मैच द न्यूमेरल्स, ठीक है, आपको क्या करना है, दिस इज योर होमवर्क। क्या है आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, ये होमवर्क घर पे करना है। तो आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उसी क्वांटिटी में यहाँ पर क्या करनी है, पिक्चर्स ड्रॉ करनी है इक्वल पोजिशन में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर थ्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कितने बटन्स ड्रॉ है, थ्री। यहाँ पर थ्री है तो यहाँ पर भी क्या करना है, थ्री करना है। यहाँ पर फोर है तो हाउ मेनी पिक्चर्स यू विल ड्रॉ, फोर, एंड हियर फोर आल्सो, टू टू, वन वन, फाइव फाइव। यू कैन ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट्स, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो नाउ बच्चे, आज मैंने आपको इक्वल और किसके बारे में पढ़ाया था, जीरो के बारे में आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें घर पर, और ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया है आप अपनी नोटबुक में, आप इस बुक में ही करेंगे, दिस इज योर कोर्स बुक। मैंने आपको कोर्स बुक के बारे में बता दिया है कि ये कौन सी बुक है, आपकी कोर्स बुक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए, टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।